ओके तो गाइस फाइनली बीजीएमआई तो प्ले स्टोर के अंदर वापस आ चुका है। तो अपना फ्री फायर अपने प्ले स्टोर के अंदर वापस कब आने वाला है और कब अपने इंडिया पे फ्री फायर अनबैन होने वाला है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना जो फ्री फायर वो कब तक अनबैन होने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहूंगा, जब भी अपनी गेम के अंदर ओबी अपडेट आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेंटेनेंस ब्रेक का, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप लोग गेम के मेंटेनेंस ब्रेक का वेट करते हो ओपन होने का। तो इस बार के अपडेट में आप लोगों को मेंटेनेंस ब्रेक का वेट करना नहीं पड़ेगा, मतलब 31 मई के दिन सुबह 9:30 बजे के टाइम पे आप लोगों को गेम के अंदर अपडेट देने को मिलेगा। आप लोगों को गेम को डायरेक्ट से अपडेट करना और आपका जो गेम है वो ओपन हो जाएगा, मतलब इस बार आप लोगों को सर्वर डाउन मेंटेनेंस ब्रेक ये सब चीज देने को नहीं मिलेगा। और मान के चलो कि आप लोगों ने गेम को अपडेट नहीं किया, आपके पास रिचार्ज नहीं है, एमबी नहीं है, तो आप लोग गेम को फिर भी खेल सकते हो बिना अपडेट किए। तो 2 जून तक आप लोग बिना गेम को अपडेट किए भी खेल सकते हो। तो ये कमाल का अपडेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं इस बार के अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले। तो गाइस अपडेट के बाद अपना रिम नाम विलेज को पूरा का पूरा चेंज किया गया है, तो अब से आप लोगों को क्लैश स्क्वाड के अंदर भी आप लोगों को रिम नाम विलेज देखने को मिलने वाला है। और गाइस अपडेट के बाद आप लोगों को मैप के अंदर जगह जगह पर कुछ इस तरीके का क्यूब देने को मिलेगा और यहां पर आप लोगों को यूज करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप लोग इसको यूज करोगे तो आप लोगों को लूट भी मिलेगा, साथ में आप लोगों को टोकन भी मिल सकता है इवेंट वाला टोकन, और ये सब 6th एनिवर्सरी के इवेंट के स्पेशल में होने वाला है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को सीक्रेट अपडेट के बारे में बताता हूं, शायद आप लोगों को किसी ने भी अभी तक नहीं बताया होगा। गाइस इस बार के अपडेट के बाद आप लोग पानी में भी स्पीड भाग पाओगे, और गाइस पहले का तो आप लोगों को बताया कि आप लोग पानी में कितना धीरे भागते थे। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस अपडेट के बाद आप लोगों को क्लॉक टावर के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस देने को मिलने वाला है, ज्यादा चेंजेस तो नहीं है जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो। ये जो आप लोगों को सीढ़ी देने को मिलता था ना कुछ इस तरीके का, यहां का जो लकड़ी उसको चेंज कर दिया गया है। अब उतना बड़ा चेंजेस तो नहीं, लेकिन हां छोटे मोटे चेंजेस भी आप लोग को बता देना चाहिए। और गाइस ये चीज तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि अपडेट के बाद आप लोग को जगह जगह पर ग्लू बॉल देने को नहीं मिलेगा, और जैसे आप लोग एनिमी को मार के उसके लूट के पास जाओगे तो आप लोग को एक ग्लू बॉल मिल जाएगा, और बाकी आपके बैग के अंदर जो ग्लू मेकर मशीन रहेगा उससे आप लोग का ग्लू बॉल तैयार होता रहेगा। अब इस अपडेट को सुनकर बहुत सारे बंदों को बुरा तो लगा होगा, जो बंदे बहुत ज्यादा ग्लू बॉल को यूज किया करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस अपडेट के बाद अगर आप लोग मर जाते हो और किसी को एक्सपेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप लोग के सामने 2 ऑप्शन आएगा, प्ले अगेन और बैक का। यहाँ से अगर आप लोग चाहोगे तो प्ले अगेन करके वापस से गेम को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग बैक करके लोबी में भी जा सकते हो। तो ये वाला अपडेट मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आप में से बहुत सारे बंदों को अच्छा लगेगा और बहुत सारे बंदों को बुरा लगेगा। गाइस आप लोग केप टाउन के इस वाले घर को तो जानते होंगे, जो बंदा क्लैश स्क्वाड खेलता है उनको तो पता होगा इस वाले घर के बारे में। गाइस यहाँ से आप लोग जंप करके उस वाले छत पर चढ़ जाते थे, लेकिन अब आप लोग नहीं चढ़ पाओगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला अपडेट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट में हैशटैग गुड लिख दो, अगर आप लोग को बुरा लगा है तो कमेंट में हैशटैग बैड लिख दो, दोनों में से एक कमेंट आप लोग जरूर करना। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस अपडेट से पहले अगर आप लोग गाड़ी के ऊपर ग्लू वॉल लगाते थे ना तो लगता तो नहीं था, लेकिन ग्लू वॉल वेस्ट हो जाता था, लेकिन अपडेट के बाद अगर आप लोग ग्लू वॉल को लगाओगे तो ग्लू वॉल जब लगाओगे तो वहां पे कलर जो कि चेंज हो जाएगा और वहां पे ग्लू वॉल लगेगा नहीं। तो अब आप लोग को कलर देखकर भी समझ में आ जाएगा कि ग्लू वॉल इस जगह पे नहीं लगने वाला है। गाइस इस बार के अपडेट के बाद 4-4 कैरेक्टर के स्किल को रिवर्क किया जा रहा है, कपेला, दिमित्री, थिवा, ओलिविया, ये सब कैरेक्टर के स्किल को रिवर्क किया जा रहा है। और हां अपडेट के बाद आप लोग दिमित्री कैरेक्टर को यूज करना आप लोग को ज्यादा ही मजा आएगा। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपना फ्री फायर कब तक अनबैन होने वाला है, क्योंकि कल से बीजीएमआई पूरा ऑफिशियली अनबैन होने वाला है। कल से सभी लोगों के प्ले स्टोर पर बीजीएमआई देखने को मिल जाएगा, और बीजीएमआई को सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए अनबैन किया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। और इन 3 मंथ के अंदर अगर बीजीएमआई वालों ने किसी भी रूल को तोड़ा तो इसको वापस से बैन कर दिया जाएगा, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिस दिया गया। और इन 3 महीने के अंदर अपना फ्री फायर का भी नंबर आने वाला है अनबैन के लिए। अब देखो एक गेम को अनबैन करने का परमिशन अगर गवर्नमेंट ने दिया तो दूसरा गेम वाला थोड़ी ना चुप रहेंगे, तो गेरिना वाले भी बोलेंगे ना कि मेरे गेम को अनबैन करो, मैं भी सारे रूल को फॉलो करूंगा। और गेरिना वालों को भी पता है कि अपना इंडिया मार्केट कितना ज्यादा बड़ा है गेमिंग को लेके। अब इसके लिए उन लोग को चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी रूल फॉलो करना पड़े, वो लोग आराम से कर लेंगे। और इसलिए मैं 100% हूं कि अगर बीजीएमआई अनबैन हो सकता है तो अपना फ्री फायर भी जरूर से अनबैन होगा, भले ही फ्री फायर को अनबैन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अनबैन जरूर होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपना राय नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।